Assalamualaikum, welcome to GFX Mentor. मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आया हूँ नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी है क्लास नंबर 28. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सी क्लास है, छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है. आर्टबोर्ड्स, सो आर्टबोर्ड टूल है हमारे पास एक, और रिगार्डिंग आर्टबोर्ड जो आपका वर्क एरिया होता है या आपका पेज कह लें, उसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, वो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है. ओके, सो इस क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, मुझे प्लीज आप लोग शो करें कि आप लोग को ये वाकई मेरी वीडियोस पसंद हैं. और शो करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, अभी से लाइक कर दो. यस, आज मैं शुरू में बोल रहा हूँ, पिछली क्लास में मैंने आखिर में बोला था. मुझे पता है बहुत सारे लोग आखिर तक थक चुके थे, शायद पूरा नहीं देखा आपने वीडियो, लेकिन आज मैं स्टार्ट में ही बोल रहा हूँ. मुझे एटलीस्ट 200 लाइक्स का टारगेट दो, फिर देखो मैं तुम लोगों को क्या मजे मजे की चीजें सिखाता हूँ. राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो मैं सिंपली एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, यहाँ से फाइल न्यू, या आप कंट्रोल एन भी कर सकते हैं. बस ये दिमाग में रखा करें कि अगर स्पेसिफिक साइज की स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं तो वो साइज आपको यहाँ पर देना अच्छा है, बेहतर है कि आप दे दें ताकि आप उसके लिहाज से प्रोपोर्शंस में काम करें. नाउ मैं सिंपली एक जनरल सा लेटर साइज लेकर के पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में क्रिएट कर रहा हूँ. ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट दिख रहा है, दिस इज योर आर्टबोर्ड. अच्छा, आर्टबोर्ड की सेटिंग्स आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जब न्यू लिया उस वक्त ही चेंज करना है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा काम है, ये आपके पास आर्टबोर्ड टूल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास आर्टबोर्ड टूल के गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स टाइप की चीज़ आती है, जिस तरह से फोटोशॉप में क्रॉप का एक ऑप्शन आता है, आप अपने आर्टबोर्ड को इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं. सो अब आपका ये आर्टबोर्ड जो है ये इतना सा ही रह गया जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. मैं अगर 100% दिखाऊं तो दिस इज योर 100% साइज. सो अगर यहाँ पर आप देखें तो इस जगह पर आपके पास कुछ प्रीसेट साइजेस दिए हुए हैं, और आप सिंपली अपनी स्क्रीन्स जो है इस तरह से, यानी कि जो पेज साइजेस हैं वो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं जो प्रीसेट बने हुए हैं. अगर आप कोई कस्टम साइज देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आ जाएं, ये आपके पास विड्थ है और ये आपके पास हाइट है. सो आप जो भी साइज देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नंबर वन. नंबर टू, आपके पास आर्टबोर्ड के नेम भी आप रख सकते हो यहाँ से, अगर जरूरत हो तो रख सकते हैं, ठीक है. एंड ये एक बटन बड़ा मजेदार सा है, मूव और कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड. सो अगर आपके पास कुछ आर्टवर्क बना हुआ है आपकी स्क्रीन इसके आर्टबोर्ड पे, अगर आप ये करते हैं कि अपने आर्टबोर्ड को आर्टबोर्ड टूल से मूव करते हैं तो आपका आर्टवर्क साथ साथ मूव होगा, ठीक है. लेकिन अगर आप ये ऑफ कर देते हैं तो आपका आर्टबोर्ड जरूर मूव होगा, आर्टवर्क वहीं रह जाएगा, सही. सो मेक श्योर कि ये आपका क्लिक्ड है, ठीक है. दूसरी चीज कि अगर आप कॉपी लेना चाह रहे हैं इसी आर्टबोर्ड की, सेम कॉपी विद और विदाउट आर्टवर्क, तो यहाँ पर ही आपको काम आ सकता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इसी आर्ट वर्क के साथ पूरा आर्टबोर्ड चाहिए, तो मैं सिंपली आर्टबोर्ड टूल लेंगे और वही ऑल्ट के साथ आप अगर ड्रैग करते हो, शिफ्ट भी दबा दिया मैंने ताकि ये ऊपर नीचे ना हो, शिफ्ट दबा के आप कॉपी करें तो आपका आर्टवर्क के साथ कॉपी होगा. लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया और फिर मैंने कॉपी किया तो देखें सेम साइज का आर्टबोर्ड जरूर आ जाएगा. आर्टबोर्ड वन कॉपी अगर आ रहा है इसका नाम, आप चाहें तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ से. बट ये दिमाग में रखें कि आपके पास इस वक्त जब मैंने कॉपी किया तो आर्टवर्क नहीं आया, ठीक है. नाउ आर्टवर्क क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने ये बटन ऑफ किया हुआ था, ठीक है. याद रखें, मैं इसको आपको जरा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ. ये वाला एक बटन है, बड़ा अजीब सा कुछ, पता नहीं गाड़ी नुमा कुछ चीज़ बनी हुई है या क्या बना हुआ, बट बहरहाल आपका यहाँ पर ये बटन ऑन होना चाहिए ताकि आप अगर आर्टबोर्ड कॉपी करें तो आपका आर्टवर्क भी साथ साथ कॉपी हो या मूव हो, ठीक है. एक बात, दूसरी चीज यहाँ पर अगर आ जाए तो शो सेंटर मार्क, अगर आप इसको ऑन कर दें तो देखें आपकी स्क्रीन पर, मैं जरा जूम करके दिखा दूं, ये एक ग्रीन कलर का सेंटर मार्क आपको दिख रहा होगा. अगर इसकी जरूरत है तो आप यूज करें. बहरहाल ये ज्यादातर इसमें इतना यूज नहीं होता, ये फिल्म एंड टीवी की अगर आप कोई चीज बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और आर्टबोर्ड, इस आर्टबोर्ड को मैं चेंज कर रहा हूँ पैल D1 पे, एंड हॉरिजॉन्टल रखेंगे हम, और ये अब पैल का साइज है.
एंड यहाँ अगर आप देखें तो 788 by 576, ये पैल का जो स्टैंडर्ड जो हमारे पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट है, एचडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो है नाउ 768 होता है वैसे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इलस्ट्रेटर में स्क्वायर पिक्सल्स हैं और वहाँ इस टीवी की जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट रेशियो होता है, लाइक 4:3 का रेशियो होता है, एंड जो हमारे कंप्यूटर्स पे जो पिक्सल्स होते हैं वो 1:1 का रेशियो होता है, मतलब स्क्वायर पिक्सल्स होती है, राइट। सो स्क्वायर पिक्सल्स का जो 788 पिक्सल्स हैं या पॉइंट्स हैं वो इक्वलेंट है टेलीविजन के आपके 768 पिक्सल्स के। बहरहाल ये हमारा टॉपिक इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, हम यहाँ पे अब क्या करने लगे हैं कि मजीद कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है आर्टबोर्ड ऑप्शंस। अच्छा हाँ, एक सॉरी मैं ये बात बता रहा था कि अगर हम पैल वगैरह लेते हैं तो उसमें ये ज्यादातर चीजें काम आ रही होती हैं, एंड दीज आर सेफ जोन्स, टाइटल सेफ, एक्शन सेफ। मैं इस वीडियो से रिलेटेड बिल्कुल कुछ नहीं डिस्कस कर रहा, बस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कई मतलब ऐसा होता है कि हम मोशन ग्राफिक्स का काम कर रहे होते हैं आफ्टर इफेक्ट्स पर, एंड हम ज्यादातर अपनी आर्टवर्क जो है यहाँ पे डिजाइन करके फिर वहां ले जाते हैं, तो जाहिर हमें उसके लिहाज से स्क्रीन का साइज और ये सारी चीजें हमें डिटेल्स चाहिए होती हैं, इसलिए ये आपको यहाँ पर दी गई है, राइट। नाउ बैक टू हमारे प्रिंट वाला साइज जो है उस पर मैं जा रहा हूँ, लेटर साइज। एंड यहाँ पर आपके पास एक चीज दी हुई है आर्टबोर्ड ऑप्शंस। नाउ आर्टबोर्ड ऑप्शंस आपके पास दो, एक तो यहां से भी आ सकते हैं, सही है। दूसरा ये है कि अगर आप आर्टबोर्ड टूल पे डबल क्लिक कर दें तो उससे भी आते हैं, सेम चीज है, यहां से कर लें या यहां से कर लें। यहां पर आप अपने आर्टबोर्ड का नाम दे सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप ये ऑन कर देते हैं तो आप जैसे ही अपनी विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, राइट। एनीवेज इट्स अप टू यू, अगर आप यूज करना चाहें तो ठीक। यहाँ नीचे आ जाएं, शो सेंटर मार्क, शो क्रॉस हेयर्स, शो वीडियो सेफ एरियाज, दीज आर ऑल दोज थिंग्स जो कि हमने यहाँ पर अभी देखी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक ग्लोबल सेटिंग्स दी हुई है, फेड रीजन आउटसाइड द आर्टबोर्ड। अगर आप इसको हटा देंगे, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा कि इसको हटाएं, बिकॉज अगर आप इसको हटाते हैं ओके करें एंड आर्टबोर्ड से बाहर आ जाएं, ठीक है। अब जब मैं आर्टबोर्ड पे आता हूँ तो आपको आर्टबोर्ड इस तरह से दिख रहा होता है, जो बाहर का एरिया है वो आपको वाइट दिख रहा होता है इंस्टेड ऑफ ग्रे। सो ये आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, आर्टबोर्ड से हट रहा हूँ और फिर आर्टबोर्ड पर आ रहा हूँ, ठीक। तो अब आपका वापस वही फेडेड एरिया आ रहा होगा, राइट। नाउ दिस इज रेफरेंस पॉइंट। आप का रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, लाइक लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्म में, एग्जैक्टली वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। सो अगर मैं अपने आर्टबोर्ड का साइज यानी विड्थ और हाइट दोनों बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, लेट्स से मैं उसको अनचेक कर रहा हूँ यानी लिंक को अनचेक कर रहा हूँ और मैं सिर्फ अपनी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें दोनों तरफ से बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर लगा दिया और फिर मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो ये अब आपका सिर्फ राइट हैंड पर बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड पर नहीं जा रहा होगा। सो आई होप ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, और अब तक के आप लोग ये सारी चीजों से बहुत हद तक वाकिफ हो चुके हैं। याद रखिएगा कि ये आपका जो ये है रेफरेंस पॉइंट, कुछ इसी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म में भी दिखता था, राइट। ऑलराइट, सो दैट्स इट, आर्टबोर्ड में ये सारी चीजें थी। लेकिन अब आर्टबोर्ड से रिलेटेड कुछ और मजेदार सी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई आर्टवर्क बनाया हुआ है, राइट, मेरा ये आर्टवर्क है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जी मेरा आर्टबोर्ड एग्जैक्टली इसी साइज का हो जाए, तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। आपने अपना आर्टबोर्ड टूल लेना है और इस पाथ पे या इस शेप पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपका आर्टबोर्ड इस साइज का हो जाएगा। नाउ ये कब काम आता है, समटाइम्स कई मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होते हैं कि सर जी हमने वो फाइल सेव की, उसके साथ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गया, यानी कि उसके साइडों में वाइट एरिया आ रहा है और हमारा सिर्फ जो आर्टवर्क है वो आना चाहिए। सो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, आपका जो भी आर्टवर्क आपने बनाया हुआ है, सही, लेट्स से मैं कुछ आर्टवर्क बना ही लेता हूँ, लगे आता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको दिखाऊं बड़े मजे की। मैं एक पॉलीगॉन बना रहा हूँ और इस पॉलीगॉन पे मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक फ्लावर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक इफेक्ट है हमारे पास, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसमें पकर एंड ब्लोट, और मैं इसको सिंपली ब्लोट कर रहा हूँ सीधे। बड़ा मजेदार सा एक फ्लावर बन गया, और लेट्स गिव इट सम कलर, और इसका मैं एक बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ, ठीक है जी, और इसको सेंड टू बैक कर रहा हूँ,
कलर्स मैंने बहुत भयानक लिए हुए हैं, कलर्स थोड़े से बेहतर कर देते हैं। लेट्स टेक सम डार्क पर्पल एंड इसमें मैं कुछ सियान टाइप का कुछ कलर दिखाऊंगा। ओके सो ये मेरा आपका हमारा जो है आर्टवर्क है विद बैकग्राउंड। याद रखिएगा बैकग्राउंड है यहाँ पर, राइट? और ये बैकग्राउंड ही है जो मैं अपने इमेज का साइज देना चाह रहा हूँ। सी अगर मैं इसको एज इट इज सेव करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस करके मैं सेव कर रहा हूँ यूजली, तो देखिए बाहर एक एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। इवन अगर मैं जेपैक करता हूँ तो ये वाइट एरिया यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? और मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरा जितना आर्टबोर्ड है वो इस आर्टवर्क के लिहाज से हो जाए। तो बड़ा सिंपल सा काम है कि आप आर्टबोर्ड टूल लें और आपके ये जो बैकग्राउंड वाला बॉक्सेस पे डबल क्लिक कर लें, दैट्स इट, आपका हो गया आर्टबोर्ड कवर, ठीक है? अब अगर आप सेव करते हैं इसको, ठीक है, एजेस बिल्कुल सही आ रहे होंगे, जेपीईजी का अगर आप सेव कर लें सही आ रहे होंगे। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक छोटी सी पिक्सल ट्रांसपेरेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये बॉक्स है ये एक्यूरेट पिक्सल्स पर नहीं है। सो अगर मैं ये करूँ कि इसको मैं अपना ट्रांसफॉर्म पैनल खोलूँ, आपको एक बहुत छोटी सी बारीकी बतानी थी। देखें यहाँ पर इसकी विड्थ में जो साइज दिया हुआ है, इट्स नॉट एक्यूरेट पिक्सल। 8, यहाँ अगर मैं जूम करके दिखा दूँ, 842.958 पॉइंट्स, और हाइट में जो है 553.472 पॉइंट्स। सो एक्यूरेट पिक्सल पे दायरे पिक्सल ऑलरेडी बहुत छोटी है, और अगर आप उसको हाफ पे रखेंगे तो थोड़ा सा ब्लर आता ही है। कोशिश करें आपकी जो भी वैल्यूज होती हैं उनको आप एक्यूरेट नंबर पे रखें। इसको ये मैं इसकी डेसिमल वैल्यूज हटा रहा हूँ, ठीक है? या एक और तरीका है, अब जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ये आपके पास सीसी में मौजूद है, और सीसी 2017 में, राइट? सो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे एंड कहाँ होता है, ये रहा मेक पिक्सल परफेक्ट, ठीक है? जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पर वैल्यूज इसने पूरी पूरी डेसिमल जो प्लेसेस थी वो हटा दी हैं। और से देखें यहाँ पर आपकी डेसिमल प्लेसेस हट गई हैं। सो ये फीचर आपके पास ऑब्जेक्ट में मौजूद है, मेक पिक्सल परफेक्ट। और अब इसको मैं काम ये कर रहा हूँ कि अपना आर्टबोर्ड टूल लेके दोबारा इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि अपना आर्टबोर्ड भी पिक्सल परफेक्ट हो जाए। अब जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, देखें एक्यूरेट एजेस से बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा एरिया नहीं आ रहा है। यस, ये भी डेफिनेटली आप लोगों को मुझे बताना है कि हम पे ये फाइल सेव वगैरह किस तरह से करेंगे। ये एक छोटी सी 5 मिनट स्टेप मैं डेफिनेटली आप लोगों को देने लगा हूँ बाद में। एंड हाँ, रिकॉर्ड हाथ जी करूंगा और पब्लिश शायद बाद में हो, ठीक है, या पहले हो गया मुझे नहीं पता। एनीवेज, सो आई बिलीव यहाँ तक आर्टबोर्ड के आपको फीचर्स समझ में आए होंगे जो कि बहुत ही काम के हैं, सही है? और आर्टबोर्ड टूल बस ये दिमाग में रखें कि जब आप चाहें, आप जरूरी नहीं कि यूं कॉपी ही लें, आप अपने हाथ से यूं मैनुअली ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप जहां पर अपना आर्टबोर्ड बनाना चाहें वहां पे बना सकते हैं, और जितने आप आर्टबोर्ड्स बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं। हर आर्टबोर्ड का नाम भी रख सकते हैं। इस वक्त बड़े बेतरतीब से आर्टबोर्ड्स के नाम चल रहे हैं, बिकॉज देखिए मैंने जैसे जैसे बनाता गया हूँ और डिलीट करता गया हूँ तो वो काउंटर एक चलता रहा था, और अब देखें ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 और यहाँ पे 1 है। सो बहुत बेतरतीब सी चीजें चल रही हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके पास आर्टबोर्ड का नाम दिया हुआ है कि आप आर्टबोर्ड का नाम चेंज करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई आर्टबोर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं, सिंपली आर्टबोर्ड सेलेक्टेड रखें, और दो तरीके हैं। एक तो ये कि यहाँ पर अगर आप क्रॉस कर दें तो आपका आर्टबोर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है? या आप जिस आर्टबोर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, और ये रहा आपका डिलीट का बटन, सही? तो यहाँ से भी आप अपना आर्टबोर्ड डिलीट कर सकते हैं। न्यू आर्टबोर्ड लेना है, ये रहा एक बटन, आप न्यू आर्टबोर्ड पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे जो आर्टबोर्ड सिलेक्टेड था उसी साइज का आर्टबोर्ड आपके माउस पे आ जाएगा, फिर आप जहां क्लिक करेंगे वहां पर न्यू आर्टबोर्ड आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, और लाइक करो इस बार, जाओ 200 लाइक्स चाहिए मुझे, और वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला वो भी करो। मजाक कर रहा हूँ, डरो नहीं, मैं सिंपली यार कर लो भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, एक वहां पर वो लाइक वाला बटन है ये वाला, उस पर क्लिक कर लो, थोड़ा सा मेरा दिल बढ़ेगा यार, मुझे और कुछ बनाने में खुशी होगी यार, ठीक है? व्यूज इतने सारे आ जाते हैं, लाइक्स 80 70, इससे ज्यादा आ ही नहीं रहे, 100 तो 100 भी नहीं क्रॉस हो रहे, लेकिन मैंने इस बार टारगेट दिया 200 का, मुझे चाहिए 200 लाइक्स, राइट? एंड आई एम श्योर आप लोग करेंगे लाइक। थैंक यू।